हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बना के दिखाऊंगा चिकन मंचाव सूप। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैं करीब 200 ग्राम नूडल्स लिया उबला हुआ, और इसमें मैं अभी एक कच्चा अंडा फेंट के ऊपर से डाल दिया घुमा के, और अभी मैं अच्छे से थोड़ा मिक्स करके लूँगा, थोड़ा गीला गीला करके लूँगा मतलब। और अभी एक गीला गीला होने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा कॉर्नफ्लावर डालूँगा, डाल के थोड़ा खुला खुला करूँगा, और ऊपर से थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया मैंने। अभी थोड़ा चाहिए तो इसे थोड़ा नमक ऐड कर दे, टेस्ट बढ़िया आएगा। तो इसे खुला खुला करके लेना, फिर खुला खुला होने के बाद सेम इसी तरह गरम तेल में इस तरह से फ्राई करके लेना। 3 से 4 मिनट लगेगा, तो आप इसे फ्राई करके लेना। हमारा नूडल्स फ्राई हो गया, अब मैं सूप बना के दिखाऊंगा आपको। तो सूप बनाने के लिए मैं फ्राई पैन बैठा दिया चूल्हे के ऊपर, और तेल ऐड कर दिया। ऑलरेडी मैं जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली चॉप डाल दिया, थोड़ा सा चॉप कैबेज भी ऐड किया। मैं गाजर बीन्स भी चॉप करके ऐड करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं ऐड किया नहीं, मैं सिर्फ कैबेज ही चॉप करके डाला। आपका पास है तो आप ऐड कीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो मैं सारे मसाले अच्छे तरीके से भून लिया 1-30 सेकेंड, फिर इसमें मैं अभी चिकन स्टॉक ऐड किया। आपके पास अगर चिकन स्टॉक नहीं है तो आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हो। साथ साथ में मैं नमक, अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, ये सारे मसाला में ऐड कर दिया। अब मैं अच्छे से एक बार मिक्स करके लिया। अब मैं ऐड कर दिया कॉर्नस्टार थिक करने के लिए, आप आपका हिसाब से थिक करके लीजिए। मैं हमेशा जैसे बनाता हूँ मैं वैसे मैं थिक करूँगा। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ा उबलने देना, और उबलने के बाद ऊपर से आप ऐसा कच्चा अंडा ऐड कर देना जैसा मैंने डाला। और अभी मैं ऐड किया बारीक काटा हुआ थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो दोस्तों, ये मैं एक सूप का बॉल लिया, और इसमें मैं थोड़ा उबला हुआ चिकन बारीक बारीक करके डाला, और अभी मैं जो बनाया सूप ये मैं इसमें डाल दिया, और ये ऊपर से मैं क्रिस्पी नूडल डाला। ये देखिए दोस्तों, हमारी चिकन मंचाव सूप फाइनली बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।